ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो कि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है। चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। बुलंदशहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चीन के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आया है। एक प्रदर्शन किया गया चीन के खिलाफ। इस प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। सपा कार्यकर्ताओं ने स्याना अड्डा चौराहे पर चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि चीन ने धोखे से भारतीय सैनिकों को मारा है और ये एक बुजदिलों वाला काम है जो चीन ने किया है। भारत सरकार से मांग की गई है कि चीन से व्यापार बंद किए जाएं, चीनी सामान को बंद किया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। और सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चीन के खिलाफ इस प्रदर्शन को किया है। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हामिद अली और जिला उपाध्यक्ष हाजी अख्तार के नेतृत्व में इस प्रदर्शन को किया गया। आज समाजवादी के सभी कार्यकर्ताओं ने तानाशाह जिनपिंग राष्ट्रपति चाइना का पुतला जलाया और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक के बदले 10 सर लेकर आऊंगा। आज हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आज 10 सर वो लेकर आए तो 200 से ज्यादा सर बनते हैं। आखिर केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों है? आज पूरा देश ये जानना चाहता है केंद्र सरकार से आपकी विदेश नीति क्या है। आज जनता चाहती है कि चाइना के सामग्री का बहिष्कार हो। आज जनता चाहती है कि चाइना को जितने टेंडर दिए गए हैं उसका बहिष्कार हो। और हम जनता से अपील करते हैं कि चाइना का पूर्ण रूप से बायकॉट हो और केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरह से झूठ बोलकर लोगों से वोट हासिल करती है उस तरीके से आज वो चाइना से बदला ले और एक एक नागरिक पूरे हिंदुस्तान का सरहद पर जरूरत पड़ी तो लड़ने को तैयार है और अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा।